हाँ, ये क्या है भाई? सर ये एयर प्रेशर गेज है। अच्छा, इससे हम अपने स्पिंडल्स, टॉप कवर, बॉटम कवर्स, उनके डाया और ओडी चेक कर सकते हैं, आईडी और ओडी। अच्छा, ये सर है इसका, मैं एयर प्रेशर ऑन कर देता हूँ एक बार। हाँ हाँ, इस टॉप कवर में जब बीयरिंग फिट होती है, हाँ हाँ, तो उसके लिए जो हमें डाया चाहिए वो हमें माइक्रोन में चेक करने के लिए एयर प्रेशर गैस का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको लगाते ही हमें पता चल जाता है कि ये ओके है या नहीं। अगर ओके होगा तो ग्रीन में लाइट में रहेगी और रीडिंग्स आ जाएगी जो भी रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंगली, और अगर एन जी होगा तो वो रेड में आएगा। ओ वाह, और इसका डेटा सारा हमारे सिस्टम में फीड होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर पर लेके इसका पूरा वो निकाल सकते हैं कि हमारे कितने पैरामीटर हैं, हम इसका सीपीसीपी सब कुछ निकाल सकते हैं। मशीनिंग का ये पूरा डेटा हमारे पास होता है कि कितने बॉटम चेक किए, क्या उसका पैरामीटर रहा, कितना इन रेंज में रहा, कितना आउट रेंज में, सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है इतने तरह के टेस्टिंग? एक्यूरेसी क्या होता है, इसमें बियरिंग प्रेस होता है, आप देख रहे होंगे इसमें बियरिंग प्रेस होता है, ठीक है। अगर बियरिंग के बीच में और जो हमारा टॉप क्वार्टर बीच में मशीनिंग प्रॉपर नहीं होगा तो बियरिंग लूज होने की जो प्रॉब्लम है मार्केट में वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमारे इसमें हाई एक्यूरेसी 5 से 10 माइक्रोन की हम एक्यूरेसी रखते हैं, जिसे हमारा जब बियरिंग प्रेस करते हैं तो इसमें बियरिंग प्रेस हो इजिली, जिसे मार्केट में फेलोर ना हो। ये हमारा, ये जो जितने तरह के लोकल ब्रांड जो पंखा बनाते हैं वो तो इस तरह के बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये गेजेस भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं। ये गेजेस कोई नहीं रखते हैं, बहुत कम लोग रखते हैं, वो सीधे चेक करते हैं बियरिंग चला गया अगर हल्का सा भी ठोक के, वो बियरिंग ठोक के रखते हैं। हम बियरिंग को हाइड्रोन्यूमेटिक प्रेस से करते हैं कि मेरे को कितना प्रेस प्रेशर देना है और कितना माइक्रोन इसमें गैप होना चाहिए, वो हम मेजरमेंट करके तभी बियरिंग प्रेस करते हैं। वाह, अच्छा, इसके हिसाब से तो फिर कभी बेयरिंग का तो कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, स्लिप करने का कभी नहीं आया कि बेयरिंग निकल गया कैसा, अभी कभी ये सब कभी आए, बेयरिंग एकदम फिक्स रहेगा कवर के साथ, क्योंकि बेयरिंग को इसके भीतर फिक्स होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, चलिए।